नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी रिजल्ट 2019 के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, जो कि आरटीआई द्वारा ली गई जानकारी है, तो वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलते हैं आज की न्यूज़ पर दोस्तों। दोस्तों, ये आरटीआई है जो लगाई गई थी 1/7/2019 को, और रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर को लगाई गई थी दोस्तों। और टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखा गया था दोस्तों, स्टूडेंट द्वारा क्या पूछा गया था, तो ये पूछा गया था दोस्तों कि माय रजिस्ट्रेशन नंबर, आई बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया बट माय नेम इज कम टू जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया इन एसएससी जीडी रिजल्ट वे। तो दोस्तों, इनका पूछना था कि मैंने बिलोंग करता हूँ मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से, लेकिन मेरा नाम है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से आया है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये पूछना था दोस्तों स्टूडेंट का। से एक्शन लिया गया 3/7/2019 को, और क्या रिप्लाई दिया गया दोस्तों, तो ये जानेंगे। तो रिप्लाई दिया गया दोस्तों, एस पर रिकॉर्ड यू हैव अप्लाइड अंडर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया बट यू हैव फुलफिल्ड ऑल द क्रिटेरिया ऑफ जनरल डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड एट दिस स्टेज, देयरफॉर यू हैव कंसिडर्ड अंडर जनरल। दोस्तों, एसएससी का कहना है कि आपने फॉर्म तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से ही भरा था, लेकिन आपके जो नंबर थे वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया स्टैंडर्ड को पार कर रहे थे, तो इसके लिए आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड के अंदर रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर फॉर्म भरा, लेकिन आपके नंबर इतने ज़्यादा आ गए कि वो जनरल डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड को भी पार कर रहे हैं, तो दोस्तों इस कारण आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेज दिया गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, जो कि एसएससी के द्वारा दी गई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।